सभी देशवासियों को नमस्कार एंड सुप्रभात। लोकतंत्र के महापर्व निर्वाचनोत्सव के शुभ अवसर पर देशवासियों से अधिकतम मतदान की अपील करते हुए देववाणी में यह अभिनव रचना सप्तश्लोकी मतदान गीता सादत प्रस्तुत करेंगे। इस कृति में भगवद गीता की पद्धति में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के माध्यम से मतदान का महत्व बताने का प्रयास किया गया है। सप्तश्लोकी मतदान गीता। संजय उवाच निर्वाचनस्य वेलायां मतदानोपयोगितं बोधयन् मतदातारं उवाच मधुसूदनः। संजय बोले, चुनाव की वेला में मतदाता को मतदान की उपयोगिता समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बोले। श्री भगवान उवाच यदा यदा हि राष्ट्रेस्मिन् निर्वाचनं विधीयते निर्वोढुं निज कर्तव्यं तदा मतं प्रदीयतां। जब जब इस राष्ट्र में निर्वाचन का आयोजन होता है तब तब अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए तुम मतदान करो। लोकतंत्रस्य संग्रामे ब्रह्मास्त्रं मतमुच्यते यस्य संधानमात्रेण कुशासनं प्रणश्यति। लोकतंत्र के संग्राम में मत ब्रह्मास्त्र कहा जाता है जिसके संधान मात्र से कुशासन का नाश हो जाता है। नान्यपन्था मतं त्यक्त्वा सुशासनाय विद्यते तस्मात् अपरिहार्यर्थे मतं प्रयच्छ भारत। ये भारतवासी, सुशासन की स्थापना के लिए मत को छोड़कर अन्य कोई मार्ग नहीं है, इसलिए अपरिहार्य विषय होने के कारण तुम मत प्रदान करो। प्रजानां सर्वधर्मेषु सर्वोपरि मतं मतं मतदानात् परं श्रेयो जनताया न विद्यते। प्रजा के सभी धर्मों में मत देना सर्वोपरि माना गया है। जनता के लिए मतदान से अधिक कल्याणकारी कर्म कुछ भी नहीं है। नेता कोर्हश्च कोनर्हः सम्यगेतत् विचिन्तया ततो मताय युज्यस्व नैवं दोषम् अवाप्स्यसि। कौन सा नेता योग्य है और कौन सा नेता अयोग्य है, इस बात का अच्छी तरह से विचार करके तत्पश्चात मत के लिए प्रवृत्त हो जाओ। इस प्रकार मतदान करने पर तुम दोष को प्राप्त नहीं होगे। याति मत प्रयोगेन लोकतंत्रम समुन्नतिम तस्माद् उत्तिष्ठवत्सा त्वं मताय कृतनिश्चया। प्रजा के द्वारा मत के प्रयोग से लोकतंत्र उन्नति को प्राप्त होता है, इसलिए हे वत्स, तुम मतदान के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ। मेरा सारा आशीर्वाद तुम्हारा ऊपर है। इति सप्तश्लोके मत भगवद्गीता समाप्तम्। नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू स्पीक टू ऑल माई कोलीग्स इन माई यूनिवर्सिटी एंड द एफिलिएटेड कॉलेजेस एंड माई बिलेवड स्टूडेंट्स। Now we are going through the time for the voting. It is the time to decide the future of the nation. Many of us may not take it seriously, but my humble request to you all is consider this as your responsibility and duty. Keeping away from voting is not a good practice, because end of the day, the number of people who are voted, only they can decide the future of this nation. So let us have a punchline like many other advertisements which you must have seen in the newspapers and TV channels, like let us go for vote and not for voter. I also request all my students in the university, once you utilize your franchise, please take some selfie and post it. We are also planning to award some of you, those who are doing it. There is a way which we are evolving, and you must make use of it. Those who are going to do it first,
they will have a special preference for that. I also appeal all my faculty here and all other employees who are working affiliated to our university, our affiliated students, other our colleagues, known people, and all the public as a whole to utilize your voting in this coming voting day. Let us build a great nation by utilizing our voting power. Thank you so much.